इस टाइम असं खड़े हाँ रामपुरा फूल दे रेलवे क्रॉसिंग ते मेन रेलवे क्रॉसिंग आ शहर की खेती कानूनों लैके किसानों जिहड़ा संघर्ष आ लगातार जारी आ पूरे भारत के अज जी हैगी कॉल की गई है बंद की कॉल हैगी पूरे भारत तकरीबन अच्छ सारा बंद है किसानों वालों अपन मंगा के हक के जोड़ा है जगह जगह धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं काले कानून जो मोदी सरकार वालों बनाए गए थे उन्होंने लैके किसानों के बहुत जबरदस्त रोस आ तुसी देख सकते हो कि हज़ार की गिनती के जोड़ा है हर एक शहर के किसानों का जोड़ा इकट्ठ है वो बड़ी भारी गिनती के जोड़ा इकट्ठ है वह इस टाइम तुम देख सकते हो हर एक जथेबंदी वालों जोड़ा है किसानों जोर शोर न जोड़ा है समर्थन दिता जा रहा है कि जोड़े काले कानून आ काले कानून रद्द किए जा ये काले कानून किसान मारू नीतियां के विरुद्ध जोड़े बनाए गए है जिन्ना चिर रद्द नहीं होंगे किसानों का कहना कि उन्ना चिर जो सा संघर्ष है वह लगातार जारी रहेगा रामपुरा फूल के रेलवे क्रॉसिंग से जोड़ा है ये तुम देख सकते हो कि जबरदस्त जोड़ा किसानों का एक है दूर दूर तक तुम पता लग सकता कि वड्डी गिनती के एक शहर के इन्ने किसान मौजूद जोड़े है मौजूद आ पूरे भारत के अज की हाल होगा तुम खुद ही देख सकते हो वीर जी जिहड़े काले कानूनों लैके अज जिहड़ा हैगा पूरा भारत बंद आ की कहना तुहाडा देखो जी ये पूरा भारत बंद आ जिहड़ा एक जथेबंदियां दा साडा जिहड़ा सांझा प्रोग्राम आ उहदे सद्दे पत्थर ते असीं जिहड़ा भारत बंद दा सद्दा गा अज लोकां ने कबूल भी कीता साडा लखां दी गिणती विच दिल्ली विच इकट्ठ होण दे बावजूद भी साडा पंजाब विच भी अंदोलन इसे तरह वड्डी गिणती विच जारी है जिवें असीं देख रहे हां भी पूरा जबरदस्त जिहड़ा हैगा किसानां वल्लों अज इकट्ठ कीता मतलब कि धरने दित्ता जा रहा वख-वख थावां दे उपर कल तुहाडी मीटिंग होनी हैगी इतों पहला भी पांच मीटिंगां जिहड़ियां हैगियां हो चुकियां हैगियां ते की उम्मीद करदे हो मीटिंग चो ना तो अगे वालियां चो कुछ निकलिया ना हुण कुछ निकलना गा ये तो हुण असीं आर पार की लड़ाई शुरू की है देखते हैं अगे की बनता लंबे संघर्ष आ लंबे समय तक चलणगे जदों तक कोई नहीं फैसला हो जाता साडी इक्को ही मंग हैगी भी असीं इह काले कानून आ जिहड़े इन्हां नूं रद्द कराउणे आ इह कल्ले किसान विरोधी नहीं पूरे लोक विरोधी है लोगों का कारोबार है जिहड़ा वो खत्म कर देणगे इह अडानियां अवानियां दे हवाले करन लगे आ असीं तां आपदी आपदे बट पिछे भरा का कतल कर देणे आ इह तां फिर भी अडानी अवानी आ असीं इन्हां नूं अपनियां पट्टां ते नहीं चढ़न देवांगे इन्हां दा कहना कि जिन्ना चिर इह काले कानून सेंटर सरकार रद्द नहीं करती उन्ना चिर संघर्ष लगातार जोड़ा है इस तरह ही जारी रहेगा कल भी जी मीटिंग दोबारा जी 9 तरीक की मीटिंग की कॉल की गई इस तो पहला भी इन्हों का कहना कि 5 मीटिंग हो चुकी हैं पर जिहदा जिहड़ा कोई सिट्टा है वह बिल्कुल भी जिहड़ा जीरो सिट्टा आप कह सकते हैं कि जीरो ग्राउंड लेवल से अज भी गल उ खड़ी आ जिथे पहला सी माता जी जिस तरह जोड़े है काले कानून तुम कहना बनाए गए मोदी सरकार वालों ते वो अच्छ बड़ी वीडी पद्धर से प्रदर्शन किया जा रहा पूरे पंजाब के पूरे भारत के किस नज़र में वेखते हो असी तो जी सानू तो काए महीने हो गए इतने रोड़ से ढूइया घसाउंदियां पर मोदी को शर्म होनी चाहिए है जिदे मोदी साढ़े पंजाब दे विच मौड़ी रैली ते आया सीगा बादल के लैके आए सी मोदी ने यह गल ना सोची भी मैं पंजाब दे विच वड़ दांगा साडे सिखां दी धरती है यह गुरु पीरां दी जोधियां दी असी यह धरती नूं किवें छड्ड सकदे हांगे असी नहीं उन्हां नूं जाणदे टिक्कियां वालियां नूं जिवें आप टिक्का ला के बह जांदा हुंदा हैगा ठीक है साढ़े गुरु पीर गुरद्वारों के पाठ करते हैं पढ़ते असी सुनते हैं संगत करते हैं संगतां की सेवा करते हैं भांडे मांजते हैं असी टल्लियां खड़काउण वाले नहीं असी तो कीर्तन सुनने वाले सिखांगे पर असी धरती आपकी नहीं छड्ड सकते असी मरना मंजूर है किद्दां दे असी ढूइयां रगड़दे उहनूं शर्म नहीं आउंदी गी पर साडी खबर उहदे कोले पहुंचनी चाहीदी आ सुणिया करे उह जिवें सानूं उह ना हिंदी दे विच खबरां दसदा सानूं पंजाबी च समझाया करे ठीक है साडा मन दुखी बहुत है इत्थे असी इहदे जिंदल दे बार च भी धरने लाए असी रोड़ियां ते भी घसदे आ असी गड्डियां दीआं लीहां ते भी बैठे हैं आप मौज ना उह कुर्सी ते बैठा आराम ना उह टिक्का ला के बह जांदा उह कीदी सुख मंगदा है उहदे रन नहीं कन्न नहीं हैगा गा साडे निक्के निक्के बच्चे ने गे असी दिहाड़ियां करदे आ मजदूरियां करदे आ तकड़ियां कोले तां साडियां कोले किसी नूं कोई सुख नहीं आउंदा हैगा साडी तां जिनस खिलार के धरदां दे सीगे ते आपदी उह खंड होर चीज़ां उह आपदियां बलेट के तोरदां दे ने गे ते फिर उह शर्म नहीं मानदा हैगा असी बनाया उहनूं शर्म मन्ने उह पंजाब दे विच असी उहनूं बनाया सी उह रैली ते आया सी मौड़ी बादल के उहनूं लैके आए सी बादल की शर्म मन ले साडी ना मन्ने असी उहनूं वोटां पा के बनाया सीगा पर असी धरती दे विच नहीं बन देना उहनूं
माता जी जिवें पांच मीटिंगां इहदों पहलां हो चुकियां गईआं किसानां दीआं केंद्र सरकार दे नाल, कोई मतलब कि जिहड़ा सिट्टा सी उह पूरा सिट्टा नहीं निकलिया, ठीक है। कल नूं फिर तुहाडी मीटिंग आ गई ते की उस नूं लै के तुसीं तुहाडा की कहिणा तुहाडा? जे तां जी उह मन लू साडी मंजूर कर ले सेवा, ठीक है, साडे दुखियां दी फरियाद सुण ले, पर कुर्सी ते बहि के उह हिंदी ना भाषा बोले, टिक्का ना लावे। असीं तां कीर्तन करदे आं, नहा के इनान करदे आं, मोटरां ते असीं हरियाणे च पहुँच गए, दिल्ली दे विच पहुँच गए, असीं उत्थे जाके असीं किले कढ ले, टंगणियां बन्नतियां, उह इन्नी क शर्म मन ले वी ठंडे पानी नाल नहा नहा के बहिंदे हैगे सर्दी च, उहदे मोटे मोटे कोट पाए ने बैठा, उहनूं शर्म नहीं आउंदी। असीं किवें बैठे आईं शर्म मन के उह मीटिंग दे विच हाँ करदे वी असीं काणे कानून रद्द करांगे। कहिंदे जी भी जिहड़े काले कानून मोदी सरकार वल्लों बनाए गए हैगे, किसानां दे विच इन्ना जोश आ भी हजारां नाके तोड़ के भी जिहड़े दिल्ली दे उपर पहुँच चुके आ किसान बेखौफ आ, उह कहिंदे भी कुछ भी हो जाए असीं लड़न मरन नूं तैयार हाँगे, पर जिहड़े काले कानून आ उहनां नूं असीं रद्द करा के रहांगे। होर भी गल करन दी कोशिश करदे आ, काले कानून जिहड़े हैगे गे उह बनाए गए हैगे किसान मारू नीतियां दे खिलाफ, की कहिणा तुहाडा उस नूं लै के? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵੀਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਿੰਨੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਚੌਥਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ, ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਚਾਹੇ 1 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ 5 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆਂਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆਂਗਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੁੱਲ ਸਹੂਲਤ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਸਹੂਲਤ ਸਾਨੂੰ ਹੋਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ ਹਿਟਲਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਹਿਟਲਰੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੜਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਪਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਇਸ ਦਰਿਆ ਨੇ ਹੂੰਝਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਧੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿਟਲਰੀ ਰਾਜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ 2% ਲੋਕ ਇਸ 98% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੁਗਲ ਬਚੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹਿਟਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ
मावां भैणां नूं ते साडे वीर बजुर्गां नूं इन्हां ठंडां दे विच सड़कां ते बैठण लई मजबूर कीता है, इस करके उन्हां नूं जवाब देना पैणा है। पर ये लोग जिहड़े पंजाब दे ने, ये पंजाब दी कल्ले दी लड़ाई नहीं रही, ना ये हरियाणे दी लड़ाई लड़ी है रही है, ये पूरे भारत दी होम दी लड़ाई है, इज्जत दी लड़ाई बन गई है लोगों की। ये लोगों के गलों के पाए हुए फंदे उन्हां हिटलरी राज ने, वो घराने लोगों ने 2% लोग जिहड़े अपनिया बड़िया कंपनियां नूं इत्थे पसारना चाहुंदे है ते साडे भारत दे लोकां दी जमीन नूं हड़पना चाहुंदे है, उन्हां नूं वापस कराउण वास्ते, उन्हां बड़िया कंपनियां नूं वापस भेजण वास्ते ये लोकां दा जिहड़ा हड़ कट्ठा होया ये आउण वाले दिनां दे विच इक इतिहास बन के रहूगा। हिटलरी जिहड़ा राज है केंद्र सरकार दा, वो कहिंदे भी रहण नहीं देना, चाहे जिंद जाए चाहे जान जाए, कोई भी कुरबानी देनी पवे, पर हिटलरी जो राज तो जो है जो खड़ा छड़ा गा तो जो काले कानून वापस लेने। मासी पांच मीटिंगा जिहड़ियां हैगियां हो चुकियां तुहाडियां केंद्र सरकार दे नाल, कल तुहाडी छेवीं मीटिंग होने जा रही हैगी, जेकर कल भी छेवीं मीटिंग दे विच भी कोई हल नहीं निकलता तो अगला कदम तुहाडा की होगा, किस नज़र नाल देखदे हो तुसीं? असीं जी जदों ये मीटिंगा होंदियां उस किसान भवन दे विच जदों बहिंदे ना, बाहर भी जिहड़ी भीड़ ना उहदियां अखां लगियां होंदियां है भी साडे आगू की करदे, क्योंकि इन्ना थल्लों दबा पिया वै आगूआं कन्नी भी भाई ये तो पिछे असीं हटना ही नहीं, जिन्ना चिर ये कानून रद्द नहीं हुंदा। उदू बाद उन्हां नूं जिहड़ा मीटिंगां दा लगदा सी कि उन्हां नूं झटका देण वास्ते आ 8 दा बंदा बंद सद्दिया, ये भी सारे हिंदुस्तान दा कल्ला अपने पंजाब दा नहीं, क्योंकि जिहड़ा किता ये कल्ले एक वर्ग दा नहीं रह गया, ये समूह वर्ग का बनया होया, इस करके ये जित यकीनी है इन्हां सरकारां नूं पिछे हटना ही पैना, इसलिए इदों भी वधवें रूप दे विच गाह जिहड़े आगू है साडे बहुत ही सियाण भरे ने, वो अगली रणनीति भी तैयार करनगे, इहो जी करनगे जिहड़ी सेंटर सरकार नूं पूरा झटका देणगे। कहिंदे असीं तां कफन बन के तुरे पए आ, चाहे मर जाइए चाहे ज्यों जाइए, पर जिहड़े काले कानून आ उह वापस लै के रहांगे। रामपुरा फूल तो कैमरामैन रमनप्रीत नाल जसवीर औल, SC7 न्यूज़, रामपुरा फूल।